तो आज हम सीखेंगे जो कि सोनी कंपनी का एलईडी टीवी का मदरबोर्ड होता है, जो कि 32 इंच पर ये सोनी कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, जो कि नॉन स्मार्ट एलईडी टीवी का मदरबोर्ड हो गया। इसका नंबर हो जाता है BA2C। तो क्या करेंगे कि इसमें हम आज क्या सीखेंगे, जो कि ये हो गया हमारा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पर हम आज कुल टेस्टिंग कर देखेंगे। कुल टेस्टिंग क्यों करेंगे, कुल टेस्टिंग करने का फायदा ये हो जाता है जैसे कि हमको कौन सा वोल्टेज कहाँ पर इनपुट होता है और कौन सा वोल्टेज हमको आउटपुट पर मिलता है, जैसे कि 3.3 वोल्टेज हो गया, 1.5 वोल्टेज हो गया, 1.2 वोल्टेज हो गया, और 5 वोल्टेज क्या होता है कि USB पर चला जाता है वो वोल्टेज, हमारा ये पैनल पर चला जाता है वो वोल्टेज, ये हो गया हमारा बैकलाइट सेक्शन पर। तो ये सब क्या करेंगे कि हम कुल टेस्टिंग पर पता कर पाएंगे कि कौन सा ट्रैक हमारा कहाँ पर गया हुआ है, कौन सा यानी कि कौन सा वोल्टेज हमको इनपुट पर मिलता है और कौन सा वोल्टेज हमको आउटपुट पर मिलता है। ये हमको पता हो जाने पर क्या हो जाएगा कि हमको ये रिपेयर करने पर एकदम आसान होगा। तो क्या करते हैं, तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा किट। तो क्या करते हैं, थोड़ा आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा मदरबोर्ड, इसको ऐसे रखें, और ये हो जाता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पर रखे हुए हैं। और क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं, तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पर रखे हुए हैं। और क्या करेंगे कि सबसे पहले 19 वोल्टेज क्या करते हैं कि हम इस सॉकेट पर इनपुट देते हैं, और एक हो जाता है हमारा ग्राउंड, और एक चला आता है हमारा VCC जो कि 19 वोल्टेज हमारा यहाँ पर चला आता है। तो ये हो गया हमारा 19 वोल्टेज इनपुट। और क्या करते हैं कि 19 वोल्टेज को लेकर चलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि इनपुट पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और आउटपुट पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो गया फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कट जाने पर यानी कि शॉर्ट हो जाने पर, ख़राब हो जाने पर हमको ये 19 वोल्टेज इनपुट यहाँ पर आउट, ये हो गया हमारा आउटपुट पिन रेजिस्टेंस के, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के आउटपुट पिन पर हमको ये कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। उस टाइम पर क्या करेंगे कि हम ये रेजिस्टेंस को लगा देंगे या जम्फर भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, जो कि हमारा इस पर हमको 19 वोल्टेज आउट होना चाहिए। तो ये 19 वोल्टेज आउट होकर चला आता है हमारा ये मोसफेट पर, मोसफेट के पिन पर हमको 19 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि ये हो गया हमारा आउटपुट, और इसमें हो जाता है हमारा इनपुट, जो कि ये मोसफेट हो गया, जो कि आप भी सुन सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ये तीनों पिनों पर हमको 19 वोल्टेज इनपुट हो जाता है, और ये क्या करता है, तो ये मोसफेट हो गया, ये मोसफेट 19 वोल्टेज इनपुट हुआ, और ये क्या करता है कि 19 वोल्टेज आउट करता है, यानी कि ये चारों पिनों पर हमको 19 वोल्टेज देखने को मिलेगा। यानी कि हमको ये मोसफेट कभी भी ख़राब हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो क्या करेंगे कि इस मोसफेट को ओपन कर देंगे या डायरेक्ट इस पिन से, और इस पिन पर क्या करेंगे कि हम जम्फर मार देंगे, तो हमारा 19 वोल्टेज इस पर चलाएगा। तो देखते हैं इस पर हमारा 19 वोल्टेज आ गया, और देखते ये 19 वोल्टेज कहाँ चला जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बैकलाइट सेक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा बैकलाइट सेक्शन बना हुआ है, तो बैकलाइट सेक्शन पर चला जाता है हमारा 19 वोल्टेज। तो देखते जो कि ये हो गया, तो 19 वोल्टेज हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये छोटा वाला, तो इसके इनपुट पर चेक करते हैं। तो 19 वोल्टेज इनपुट हुआ, और ये क्या करता है कि आउटपुट से आउट हो गया। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी हमारा ख़राब हो जाने पर हमको बैकलाइट सेक्शन डेड मिलेगा, यानी कि ख़राब मिलेगा, यानी कि बैकलाइट सेक्शन ऑन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, ये हमारा वोल्टेज आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस इसमें एकदम ओके है, जो कि इस पर भी हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा 19 वोल्टेज चलाता है यहाँ पर, जो कि ये हो गया हमारा पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर के इस पर हमको 19 वोल्टेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी हमको 19 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज हमको चलाता है ये बैकलाइट सेक्शन पर। और बैकलाइट सेक्शन कब ऑन होता है, जब भी हम ये सर्किट को स्टैंड बाई मोड से रिलीज करते हैं, उसके बाद में हमको ये बैकलाइट सेक्शन ऑन हो जाता है। बैकलाइट सेक्शन ऑन होने के बाद में जो कि हमारा यहाँ पर सॉकेट बना हुआ है बैकलाइट स्ट्रिप के लिए, ये सॉकेट बना हुआ है, तो क्या करेंगे कि इसमें हम बैकलाइट स्ट्रिप का जो कि वायर होता है तो इसमें हम लगा देंगे, तो हमारा बैकलाइट सेक्शन ऑन हो जाता है। यानी कि हमारा बैकलाइट सेक्शन ओके होने पर क्या हो जाएगा कि जो कि हमारा LED स्ट्रिप हो जाता है तो ग्लो करने लगता है। तो ये हो गया हमारा बैकलाइट सेक्शन का जो कि वोल्टेज इन। तो और भी देखते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं, सबसे पहले ये हो गया हमारा बैकलाइट सेक्शन, उसके बाद में देखते हैं ये पैनल पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट होता है, तो कैसे इनपुट होता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले 19 वोल्टेज तो हमको यहाँ पर आ गया, तो ये 19 वोल्टेज क्या करता है कि यहाँ पर एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, तो ये क्या करता है कि इनपुट पर हमारा 19 वोल्टेज इनपुट हुआ, और वही इनपुट क्या करता है कि 19 वोल्टेज ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के आउटपुट पिन से आउट होकर यहाँ पर चला आता है। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हमको खराब मिलने पर, ख़राब हो जाने पर हमको ये पैनल के जो कि सर्किट है इनपुट है और आउटपुट करता है, तो वो वोल्टेज हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, इसको चेक करने के बाद में हमको 19 वोल्टेज ये चलाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमारा NPC लगा हुआ है, तो NPC के पिन पर हमको क्या होगा कि देखने को मिलेगा 19 वोल्टेज, और यही
19 वोल्ट चलाता है हमारा स्पिन पर, जो कि आप भी सुन सकते हैं हमारा ये स्पिन पर आ गया 19 वोल्टेज। तो ये 19 वोल्टेज इनपुट होने के बाद में ये क्या करेगा कि हमको 12 वोल्टेज आउट करेगा, जो कि स्पिन से आउट करता है। इस ये पिन हो गया और ये हमारा बूस्ट कॉइल हो गया। तो बूस्ट कॉइल पर चेक करते हैं, जो कि आप भी सुन सकते हैं हमारा ये पिन से बूस्ट कॉइल के इनपुट पिन पर या आउटपुट पिन पर हमको ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो ऐसे कर कर क्या करता है कि ये आईसी हमको इनपुट होता है 19 वोल्टेज और आउटपुट करता है 12 वोल्टेज। और ये 12 वोल्टेज कहाँ चला जाता है तो आपको एक थोड़ा अच्छी तरह से दिखाते हैं, जो कि ये 12 वोल्टेज हो गया, जो कि ये हो गया हमारा बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल के आउटपुट पिन से आउट होकर ये चला जाता है हमारा ये, जो कि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा LVDS कनेक्टर लगा हुआ है। तो LVDS कनेक्टर का जो कि पिन है तो इस पर चला जाता है, जो कि यहाँ पर है, जो कि 12 वोल्टेज इसमें इनपुट होता है। ये चार पिनों पर इनपुट होता है, जो कि एक हो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और ये तो पांच पिन पर चला जाता है फ्रेंड्स हमारा ये 1 2 3 4 5 पाँचों पिन पर हमको ये 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि ये रेगुलेटर ऐसी क्या करता है तो 12 वोल्टेज आउट करता है। तो ये वोल्टेज हमको कब देखने को मिलेगा, जब हम ये किट को क्या करेंगे स्टैंड बाई मोड से रिलीज करेंगे, उसके बाद में हमको ये 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा यहाँ पर या बूस्ट कॉइल पर। ये आईसी के जो कि यहाँ आउटपुट पिन है इस पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा, लेकिन स्टैंड बाई मोड पर हमको ये क्या होगा कि यहाँ पर हमको 19 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस पिन पर, या ये आईसी के इस पिन पर हमको क्या होगा कि 19 वोल्टेज इनपुट देखने को मिलेगा स्टैंड बाई मोड में। तो ये भी हम समझ गए, और भी आगे दिखाते हैं आपको। तो ऑडियो सेक्शन को भी देख लेते हैं, जो कि ये हो जाता है हमारा ऑडियो सेक्शन, जो कि यहाँ पर ऑडियो आईसी लगा हुआ है। और ये हो जाता है हमारा बूस्ट कॉइल, जो कि आउटपुट पर हमको ये बूस्ट कॉइल देखने को मिलता है, जो कि ये इसका कनेक्शन हमारा, जो कि यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर सॉकेट। तो स्पीकर सॉकेट पर चला जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले 19 वोल्टेज को, जो कि यहाँ पर हमारा मॉस्फेट लगा हुआ है, मॉस्फेट आउट कर रहा है 19 वोल्टेज। तो 19 वोल्टेज पर हम रखें और देखते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा 19 वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर NPC लगा हुआ है। तो कंटिन्यूटी देखते हैं इसमें, जो कि आप भी सुन सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, जो कि 19 वोल्टेज हमको इसमें इनपुट हो गया इसमें। और देखते हैं ये सप्लाई हमारा चला जाता है ये आईसी पर, ऑडियो आईसी पर। तो इस पर भी टच कर देखते हैं, जो कि आप भी सुन सकते हैं ये 19 वोल्टेज हमको इनपुट हो गया, यानी कि डायरेक्ट हमारा 19 वोल्टेज चला जाता है ये ऑडियो आईसी पर। ये ऑडियो आईसी पर चले जाने के बाद में क्या होता है कि हमको आउटपुट पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर हमारा बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। तो बूस्ट कॉइल होकर चला जाता है हमारा यहाँ पर, जो कि सॉकेट लगा हुआ है आउटपुट सॉकेट पर। इसको भी हम आपको चेक कर दिखाते हैं, जो कि एक पिन हो जाता है हमारा ये, और चेक करते हैं इसमें नहीं है, इसमें चेक करते हैं। तो ये इसमें हमारा कनेक्ट है, जो कि ये पिन और ये पिन हमारा कनेक्ट है। और इसको देखते हैं कि ये हो गया, तो ये दोनों हमारा एक चैनल के लिए हो गया। और इसको चेक करते हैं, तो ये हो गया, और दूसरा इसको चेक करते हैं ये लास्ट वाला पर, तो ये हो गया ये हमारा, यानी कि आउटपुट पर हमको ये बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगा। ये बूस्ट कॉइल भी ख़राब हो जाने पर हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, यानी कि ट्रैक कट जाएगा। ट्रैक कटने के बाद में हमको स्पीकर पर साउंड नहीं सुनाई देगा। तो क्या करेंगे कि हम इसको भी चेक कर लेंगे ये बूस्ट कॉइल को, और बूस्ट कॉइल को चेक करने के बाद में हमको ये VCC जो कि हमारा इनपुट होता है उसको भी चेक कर लेंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि हमको ऑडियो आईसी आना चाहिए, यानी कि ऑडियो आना चाहिए, ऑडियो मिलना चाहिए। नहीं मिलने पर क्या करेंगे कि हम उस टाइम पर ये ऑडियो आईसी ख़राब हो सकता है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, फॉल्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे कर हम फाइंड आउट करेंगे ये ऑडियो आईसी को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे देखेंगे और सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।